अगर आप लोग YouTube पे न्यू YouTube चैनल क्रिएट करते हो, न्यू YouTube चैनल बनाते हो, उस कंडीशन अगर आप लोग YouTube पे वीडियो डाल लेते हो, लॉन्ग वीडियो हो या शॉर्ट वीडियो हो, कोई भी वीडियो हो, आप लोग वीडियो अपलोड कर लेते हो, लेकिन बात आता है लाइव स्ट्रीम का, तो यहाँ पे हम लोग लाइव स्ट्रीम अगर करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे कुछ ऑप्शन यानी कि कुछ प्रॉब्लम देखने को मिलता है, कुछ यहाँ पे बग देखने को मिलता है, यानी कि बग वो नहीं है लेकिन यहाँ पे कुछ देखने को मिलता है जाकि हम लोग लाइव स्ट्रीम नहीं कर पाते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पे देखो कि अगर हम लोग यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीम अगर हम लोग करते हैं ना, तो उस कंडीशन यहाँ पे देखो कि कुछ इस तरह से हम लोग को ऑप्शन देखने को मिलता है, कुछ इस तरह से ऑप्शन बताया जाता है। जैसे कि मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल समझ लो, यहाँ पे मैं प्लस वाला आइकन में जाता हूँ, गोल लाइव पर जाता हूँ, तो यहाँ पे देखो कि कुछ यहाँ पे बताया गया कि यहाँ पे ट्राई क्रिएटिंग मोर शॉर्ट टू रीच 50 सब्सक्राइबर एंड अनलॉक लाइव स्ट्रीम। ठीक है, यानी कि यहाँ पे बताया गया भाई कि अगर आप लोग जो है आप लाइव स्ट्रीम को अनेबल करना चाहते हो, ऑप्शन को अनेबल करना चाहते हो, उसे यूज़ करना चाहते हो, सबसे पहले आपको जो है यूट्यूब पे शॉर्ट वीडियो बनाना है। शॉर्ट वीडियो बनाकर आपको 50 सब्सक्राइबर कंप्लीट करना है। सब्सक्राइबर कंप्लीट करने के बाद जो आपको यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीम का ऑप्शन मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे होता क्या है कि लाइव स्ट्रीम का जो ऑप्शन है वो तो बात चलो भाई कि यहाँ पे 50 सब्सक्राइबर कंप्लीट करना है, हम लोग को लाइव स्ट्रीम का ऑप्शन मिल जाएगा, लेकिन 50 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने के बाद भी जो हम लोग को यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीम का ऑप्शन नहीं मिलता, उस कंडीशन हम लोग क्या कर सकते हैं या फिर मिलता है या नहीं मिलता, क्या प्रॉब्लम, सारा कुछ मैं बताऊंगा। तो वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। ठीक है, और दोस्तों मैं आप लोगों से क्वेश्चन यानी कि आप लोगों से मतलब कि पूछना चाहता हूँ कि भाई आप लोगों को जो भी प्रॉब्लम होता है यूट्यूब पे यूट्यूब चैनल बनाने से रिलेटेड में, जो भी प्रॉब्लम आप लोगों को यूट्यूब पे होता है ना, मेरे को कमेंट करके या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज करके बता देना भाई कि हाँ भाई इस टॉपिक पे वीडियो बना दो, किस टॉपिक पे वीडियो बनाना नहीं बनाना, आप लोग कमेंट करके भी बता सकते हो भाई कि मेरे को ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम जो भी है मैं उसके ऊपर वीडियो बना के दे दूंगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे बात करें हम लोग लाइव स्ट्रीम का, तो यहाँ पे लाइव स्ट्रीम में आप लोग बता देता हूँ यहाँ पे सिंपल से करना है कि आपको, तो यहाँ पे देखोगे कि आपको यहाँ पे 50 सब्सक्राइबर कंप्लीट करना यहाँ पे इजी, यानी कि आपको जो जनरल है कि भाई 50 सब्सक्राइबर आपको कंप्लीट करना है तब जाकर आपका YouTube पे लाइव स्ट्रीम अनेबल होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोग बोलते हैं भाई मेरा 50 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गया फिर भी मेरा लाइव स्ट्रीम का ऑप्शन नहीं मिल रहा, उस कंडीशन आप क्या करोगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे लर्न मोर पे आपको जाना है। ठीक है, तो जैसे आप लर्न मोर पे जाते हो तो यहाँ पे आपको कुछ प्रक्रिया यानी कि कुछ यहाँ पे इसका टर्म एंड कंडीशन है जो कि आपको यहाँ पे फॉलो करना है, यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, तो यहाँ से मैं आ जाता हूँ, यहाँ पे देखोगे यहाँ पे बताया गया कि एट लास्ट 50 सब्सक्राइबर, ठीक है 50 सब्सक्राइबर आपको मतलब कि कंपलसरी आपको यहाँ पे मतलब कि कंप्लीट करना ही करना है। ठीक है, चलो मैं इसे छोड़ देता हूँ, बाकी बाद यहाँ पे देखोगे आपको नो लाइव स्ट्रीम। ठीक है, यहाँ पे बताया गया लास्ट 90 डे और योर चैनल, यानी कि आपका चैनल को जो है मैं 90 डे तक होना चाहिए बनाए हुए, ऐसा नहीं भाई आज चैनल बनाए 50 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गया मेरा लाइव स्ट्रीम का ऑप्शन मिल जाएगा, तो यहाँ पे नहीं देता है इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ से आपको देखने को मिल जाता है वेरीफाई योर चैनल, मोबाइल नंबर को वेरीफाई करना है, वेरीफाई का चैनल करना है, यहाँ पे एक आता है वीडियो वेरीफिकेशन करने का, वो भी सारा कुछ आपको कर लेना है। उसके बाद ट्रेन ऑन लाइव स्ट्रीम का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे देख सकते हो कि आपका सब्सक्राइबर जैसे आपका 50 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाता है ना, तो आपको जो है यहाँ पे 24 घंटा तक आपको वेट करना है, 24 घंटे के बाद जो है ऑटोमेटिक आपके चैनल पर जो है लाइव स्ट्रीम का जो ऑप्शन है वो अनेबल हो जाएगा। ऐसा नहीं भाई मैंने चैनल बनाया वो 3 महीना भी हो गया और मेरा सब्सक्राइबर अभी कंप्लीट हो गया, उसके बाद जो यहाँ पे क्या हो गया यहाँ पे यानी कि 90 डे मतलब कि ऑन योर चैनल मतलब 90 डे कुछ लास्ट मतलब उतना आपको बताया गया है, यहाँ पे देख लीजिएगा ध्यान से। ठीक है, यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा, बाकी मैं आप लोग यहाँ पे थोड़ा मतलब देख लेता हूँ कि क्या है नहीं है सो। ठीक है, यहाँ पे सारा कुछ हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं भाई कि यहाँ पे 50 सब्सक्राइबर कंप्लीट है, सारा कुछ यहाँ पे कंप्लीट है, तो आपको 24 घंटा वेट करना है, उसके बाद आपका चैनल जो है यहाँ पे लाइव स्ट्रीम अनेबल हो जाएगा। लेकिन ये सारा कुछ करने के बाद, ये सारा कुछ होने के बाद भी अगर आपका लाइव स्ट्रीम का ऑप्शन अनेबल नहीं होता है तो आप क्या कर सकते हो भाई, आपको आना है अपने यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, यानी कि आपको आ जाना है अपने यूट्यूब पे, यहाँ पे आ जाना है। ठीक है, तो यहाँ से मैं अपने यूट्यूब चैनल पे यानी कि कोई भी एप्लीकेशन यूट्यूब एप्लीकेशन हो या फिर YT स्टूडियो हो फिर जो भी हो वहाँ पे आपको आ जाना है। सिंपल सब क्या करना है, यहाँ पे आपका जो चैनल का लोगो होता है सिंपल से उस पर क्लिक करना है, देन यहाँ पे अपने सेंड फीडबैक पे जाना है। यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना भाई हम लोग आप लोग को बता देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपको वही जीमेल को सेलेक्ट करना है जो जीमेल पे आपको प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है, जो चैनल पे आपको प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ से आपको फीडबैक भेजना है, यहाँ पे फीडबैक क्या भेज सकते हो, ठीक है कि सर मेरे यहाँ पे 50 सब्सक्राइबर कंप्लीट यहाँ पे मतलब मैं आप लोग बता देता हूँ क्या आपको करना है सर। ठीक है, मेरा यूट्यूब चैनल फॉर 50 सब्सक्राइबर हो लेकिन लाइव स्ट्रीम
ठीक है। तो भाई यहाँ पे इस तरह से आप लिख के अपने हिसाब से जो भी होगा आप अपने हिसाब से यूट्यूब को जो है मतलब फीडबैक भेज सकते हो। भेजने के बाद आपका चैनल पे चेक किया जाएगा, चेक करने के बाद अगर चैनल पे सारा कुछ सही रहता है तो आपका जो लाइव स्ट्रीम का जो ऑप्शन है 24 से 48 घंटे के अंदर या फिर 72 घंटे के अंदर आपका जो लाइव स्ट्रीम यहाँ पे अनेबल हो जाएगा। तो यहाँ से मैंने लिखा है सर आई हैव यू 50 सब्सक्राइबर ऑन माई चैनल यूट्यूब चैनल बट द लाइव स्ट्रीम इज नॉट स्टार्टिंग, ठीक है। यानी मैंने बोला कि भाई मेरा चैनल पर जो 50 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गया है लेकिन लाइव स्ट्रीम का जो ऑप्शन है यहाँ पे अनेबल नहीं हुआ, ठीक है। तीसरे से जो आप मैसेज लिख सकते हो आपको जो भी लगे आप जिस हिसाब से मैसेज लिखना चाहते हो जितना अच्छा से लिखना चाहते हो लिख लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे जो सेंड का जो ऑप्शन मिलता है यहाँ पे आपको सिंपल सबको यहाँ पे भेज देना मैसेज को, ठीक है। तो जैसे आप मैसेज को भेजेगा उसके बाद 24 से 48 घंटे आपको रिप्लाई मिलेगा, आपका जो लाइव स्ट्रीम का जो ऑप्शन यहाँ पे अनेबल हो जाएगा। लेकिन भाई सारा कुछ जो प्रोसेस है कुछ यही है, बाकी बात यहाँ पे और कोई प्रोसेस नहीं है। तो ये इतना कुछ फॉलो करने के बाद जो आपका चैनल पर 100% आपका लाइव स्ट्रीम का जो ऑप्शन है अनेबल हो जाएगा। लेकिन आपका 50 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने के बाद जो है आपको ऑटोमेटिक है कि यहाँ पे अनेबल हो जाता है 24 घंटे के बाद में, ऐसा कुछ भी आपको दिक्कत मतलब कि प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको जानकारी पसंद आई, अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भाई प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है।